आज के लिए किया था कि आज इसको कंप्लीट करेंगे, वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है मुझे, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग कितना होता है किसी संख्या का, एटलीस्ट इकाई अंक को तो पता होना चाहिए। जैसे एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। दो का वर्ग क्या होगा, चार होगा। तीन का वर्ग क्या होगा, नौ होगा। ठीक है, चार का वर्ग क्या होगा, सोलह, इकाई अंक छह। मतलब पांच का वर्ग पच्चीस, मतलब इकाई अंक पांच होगा। छह का वर्ग छत्तीस होगा। ठीक है, सात का वर्ग उनचास, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। आठ का वर्ग चौसठ, नौ का वर्ग इक्यासी और दस का वर्ग सौ। मतलब किसी संख्या का इकाई, अगर किसी संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसका, कौन से संख्या का वर्ग बन सकता है, कौन से अंक का वर्ग बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, 361। अब देखिए, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा तभी इसका वर्गमूल बाहर आएगा। ठीक है, अब मुझे ये इकाई अंक को सबसे पहले पहचानना है। यहां पर आपको ध्यान रखना, लेफ्ट तरफ से आपको दो जोड़े बनाने हैं। ठीक है, वर्गमूल में वर्ग मतलब दो होता है, तो दो दो के जोड़े बनाने हैं। घनमूल बोलते हैं तो तीन तीन के जोड़े बनाते। तो राइट साइड से आपको क्या करना है, दो जोड़े बनाना है, उसके बाद की संख्या को या अंक को छोड़ देना है। अब यहां पर एक आ रहा है, कौन से संख्या को मैं गुणा करूंगा तो एक आएगा। दो बार गुणा करने से किसको करने से आएगा, या तो एक को करने से आएगा या तो नौ को करने से आएगा। देखो ना, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, एक या एक हो सकता है या नौ हो सकता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, एक या नौ। क्लियर है। इसके बाद जो संख्या बच गई आपके इधर, जो अंक बच गया है, वो किसके वर्ग के बीच में आएगा। जैसे एक का वर्ग कितना होगा, एक। दो का वर्ग चार। एक और चार के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या को आपको लिखना है यहां पर, 11 या 19। मतलब ये जो संख्या, या तो ये 11 का वर्ग होगा या तो ये 19 का वर्ग होगा, या 361 का वर्गमूल या तो 11 होगा या तो 19 होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो दोनों संख्या है ना, उसको आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। दो एक कम कितना आएगा, दो। ये जो दोनों संख्या निकाले ना, इसको गुणा कर देना है। ठीक है, अगर ये संख्या दो इस तीन से छोटी है, मतलब ये तीन अगर इस दो से बड़ा है, ये तीन बड़ा है कि छोटा है, दो से बड़ा है, तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। दो तीन बार क्वेश्चन बनाओगे आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको राइट साइड से दो पेयर बना के छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो दो पेयर, अगर एक एक पेयर बनाऊंगा दो अंक का, तो क्या होगा, 61 होगा। क्लियर है, है ना। इसके बाद क्या होगा, 61 में यहां पर इकाई अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अब मुझे देखना है किन दो अंकों को गुणा करने से एक आता है। एक तो एक को करने से आता है, और एक नौ करने से आता है। यहां पर देख सकते हो, एक को गुणा करूंगा दो बार या नौ को करूंगा दो बार, तो कितना आएगा, एक आएगा इकाई अंक। तो मैंने यहां पर एक और नौ लिख दिया, मतलब उस संख्या का जो मुझे संख्या का वर्गमूल इसका जो आएगा, उसका मुझे इकाई अंक मिल चुका है, एक या नौ होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो एक संख्या अंक यहां पर जो बच गई है, तीन, है ना, एक का वर्ग क्या करेंगे, एक लेंगे, और दो का वर्ग चार। इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर यहां पर संख्या मान चलिए छह होता, तो मैं किन दो संख्या, किन दो अंकों को लेता बताइए, तो चार और, मतलब किसके वर्ग को लेता, दो का वर्ग चार और तीन का वर्ग नौ। समझ में आ रहा है, चार और नौ को लेता, चार और नौ के बीच में क्या आ रहा है, छह आ रहा है। अगर यहां पर छह होता तो, लेकिन यहां पर तीन है, तो मैं एक का वर्ग और दो के वर्ग को लूंगा। क्लियर है। तो अब ये जो दो संख्या जिसको मैंने लिया है, वो दोनों को गुणा कर दो। दो गुणा एक कितना होगा, दो। और ये जो तीन है, अगर ये दो से बड़ा है, ये तीन अगर इस दो से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर यहां पर एक होता तो छोटा वाला आंसर होता। ठीक है, इसको नोट कर लो, लिखिए 484 और 784। एक है संख्या आपका अंडर रूट 484, और एक है संख्या आपका अंडर रूट 784। चलिए बार फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार, है ना, फिर उसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, पहला रूल, कि आपको इधर से दो के पेयर बनाना है, एक दो अंकों का एक पेयर बनाना है। तो 84 को मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 84 का इकाई अंक क्या है, चार है। तो किन संख्याओं को गुणा करने से किन संख्या का वर्ग चार आ सकता है, किस संख्या का आएगा,
दो और आठ का, समझ में आ रहा है? तो इकाई अंक मुझे यहां से मिल जाएगा, इकाई अंक क्या होगा, या तो दो होगा या तो आठ होगा, क्योंकि दो दूनी चार और आठ अठे चौसठ, ये चार यहीं से आएगा, ठीक है। और किसी भी अंक को दो बार मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम अंक को नहीं आएगा। छह में छह जगह छत्तीस, छह आएगा, चार चौक सोलह, चार आएगा, ठीक है। तो दो और चार में ही आपका आएगा, दो और आठ में ही आएगा। अब ये जो नंबर है जो बच गया है, इसको मैंने क्या कहा है, दो अंक, दो दो संख्या से हमको लेना है, दो अंक एक्सलेंस के वर्ग के बीच में आता हो। तो चार किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, एक तो दो का वर्ग और तीन का वर्ग, अगर बराबर भी है तो आपको इसी को लेना है ना, तीन एक से नहीं लेना है, एक और दो को नहीं लेना है। अगर दो का वर्ग चार आ रहा है ना, तो चार भी अगर बराबर अंक है तो सेम को लेना है, चार और नौ, मतलब चार और नौ के बीच में ही आएगा ये चार, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों में छोटी संख्या को आपको आंसर इसमें रख देना है, तो दो और दो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो या तो ये 22 का वर्गमूल 22 का होगा, 484 का वर्गमूल 22 होगा, या 484 का वर्गमूल 28 होगा, या तो 22 होगा या तो 28 होगा, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को गुणा कर दो। तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आएगा, ये चार इस छह से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा। सेम देखो इसको एक बार और समझ लो, है ना, 784 को देखिए, पहले मैंने क्या कहा है, इसको आप क्या करो, पेयर बना लो, है ना, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, तीन चार क्वेश्चन कर लोगे फिर बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आराम से बने, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो एक बार, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको पेयर बनाओ, 84 को मैंने एक पेयर बना लिया, इकाई का अंक क्या है, चार है, तो इकाई अंक क्या होगा, दो और आठ होगा ना, ठीक है। अब दूसरे स्टेप मैंने क्या कहा, जो अंक बचा हुआ है वो किन्हीं दो अंकों के वर्ग के बीच में आना चाहिए, कौन कौन से अंक को वर्ग करूंगा तो उसके बीच में आएगा, दो का वर्ग चार और तीन का वर्ग नौ, चार और नौ के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या को मुझे यहां पर रख देना है, दो और दो, तो 22 और 28। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, दो गुणा तीन कितना आएगा, छह, सात छह से बड़ा कि छोटा है, बड़ा है ना, तो 28 को आंसर लेंगे, नोट करिए, फिर मैं कुछ अंक दे रहा हूं, बनाइए उसको। अब यहां पर तक तो हम लोग तो अंदाजा लेके भी बना लेते हैं ना, बन जाता। अब कुछ और शब्द आ रहे हैं आपके सामने, क्लियर है आप लोग को, एक बार यस सर के मैसेज करिए। चलिए नेक्स्ट है, नोट कर लिए, 961 और 1521, 961 और 1521। अभी धीरे धीरे हम संख्या को बड़े करते चलेंगे। अब देखिए मैंने चार अंक का एक ले लिया है, पहले तीन अंक का ले रहा था, चार अंक का ले लिया, तो दो अंक तीन अंक का तो आसानी से निकाल लो, चार अंक पांच अंक का ही मेन है, उसी को आपको निकालना है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, 961 और 1521 कितना आया, 31 और ये 39, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहां पर मैंने क्या कहा है, पहले आपको पेयर बनाना है राइट साइड से, यहां पर 61 पेयर बनेगा और यहां पर 21 पेयर बनेगा, ठीक है। अब इकाई अंक क्या है, एक है, मतलब क्या होगा यहां पर, या तो एक होगा या तो नौ होगा, ठीक है, एक होगा या तो नौ होगा। अब इसके बाद ये जो नौ है वो दो अंकों के वर्गों के बीच आना चाहिए, तो किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, तीन का वर्ग और चार का वर्ग, तीन का वर्ग नौ और चार का वर्ग सोलह, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, तीन, 31 और 39। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, तीन गुणा चार कितना आएगा, 12। 9 से बड़ा है कि छोटा है, ये 9 छोटा है कि बड़ा है 12 से, मतलब 9 छोटा है, जो छोटा होगा तो छोटा अंक आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। सेम यहां पर भी कंडीशन होगा, एक है तो यहां पर एक आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। फिर जो 15 किसके बीच आएगा, तीन और चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, तो यहां पर आ गया 3, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को गुणा कर दो, तीन गुणा चार कितना होगा, 12। 15 12 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा,
तीन स्टेप है, बार बार दो तीन बार बनाओगे तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब आपको फिर नेक्स्ट टाइम में इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे देखे 15, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो सीधा यहाँ पे 3 लिख दी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 चौक 12, 12 से बड़ा है 15, तो 39 आंसर हो जाएगा सीधा। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। और क्वेश्चन दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2209, 1764, 2304, 2916, फटाफट निकलना चाहिए एकदम, 3136, कितना आया? पहला का 57, 2209 का कितना आया? 45 आ रहा है सभी का। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है? 39, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। पहले तो राइट साइड से आप लोग पेयर बनाइए, बस पेयर बना के उसको इकाई अंक वहां से निकाल लो, फिर बचाव संख्या किसके वर्ग के बीच में आ रहा है वो देख लो, और बड़ा है कि छोटा है उसको आंसर ले लो। तीन ही स्टेप है बस। 43 कुछ स्टूडेंट्स के आंसर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा का 48, कितना है दूसरे का? 48 कैसे आएगा? देखो 47 तो इतने बड़े का है, उससे तो छोटा ही आएगा वो। 42, 42 भले हो सकता है, 48 कहाँ से होगा? 42 की 32, 32 नहीं, 32 तो नहीं आएगा, 42 नहीं, 42 भी हाँ आ सकता है, 42 ठीक है। तीसरा 48, ये आ रहा है 48, कितना? फिफ्टी फोर, हाँ, और 56। चलिए देखिए, अब जिनसे नहीं बन रहा है पर देख लीजिए फिर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके दो नंबर का एक, दो अंक का एक जोड़ा बनाना है, और यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 3 9 हो सकता है, और 7 7 49 हो सकता है, तो 3 या 7 यहाँ पर आएगा, 3 3 9 या 7 7 49, ठीक है। अब इसके बाद ये किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का वर्ग 25, तो ये छोटे अंक को लेना है 4 और 4, ठीक है। अब 5 चौक क्या कर देना है मुझे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 20, ठीक है। ये 22 20 से बड़ा है, तो बड़ा आपका आंसर होगा। देखिए 2 मिनट में निकल गया, ठीक है। इसमें फिर से 2 का पेयर बनाएंगे, तो इकाई अंक या तो हो सकता है क्या 2, या क्या होगा 2 2 4, या 8 8 64, ठीक है। अब इसके लिए किसके बीच में आएगा, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 17 20 से बड़ा है नहीं, छोटा है, 17 छोटा है ना, तो छोटा होगा, तो छोटा आंसर होगा। देखिए 47 और 42 निकल गया आपका, 48 यहां पर 4, तो फिर से क्या आएगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 2 4, या 8 8 64, ये दोनों को मैंने ले लिया। अब 23 किसके बीच में आएगा, तो एक तो आएगा 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25, ठीक है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे, 4 को ले लेंगे। अब इसके बाद 23 जो है वो 5 चौक 20, 23 20 से बड़ा है छोटा है, तो बड़ा आंसर होगा, ठीक है। यहां पर 6 है, तो 4 चौक 16, या 6 छक्के 36, ये आएगा, ठीक है। अब यहां पर 29 है, किसके इसके बीच आएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 25 और 36 के बीच में आ रहा, मतलब 5 को लेंगे, छोटे आंसर को लेना है यहां पर, वर्ग वाले में छोटों को लेना है। अब 6 5 30, 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो 54, सेम यही कंडीशन इसके लिए भी है, ये 30 से बड़ा है कि छोटा है, 31 बड़ा है, तो यहां पर 56 आंसर हो जाएगा इसका, तो दोनों कैलकुलेशन सेम है ना इसका। 7 3 9 4, थोड़ा अब बड़ा अंक और लेते हैं,
अट्ठासी छत्तीस एक सौ छप्पन पच्चीस अट्ठासी कितना अट्ठासी आ रहा है। ठीक है 94। चल देखते हैं बना के फिर। तीसरा तो तीन पांच अंक वाला है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदलना है, सेम वही करना है, उसमें भी कुछ नहीं है। यहां पर देखिए मुझे दो अंक पहले लेना है, चार आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दो दूनी चार या आठ अट्ठे चौसठ। ठीक है, फिर इसका देखिए इसके बीच का वर्ग है, तिहत्तर किसके बीच आएगा, अट्ठी अट्ठी चौसठ, आठ का वर्ग और नौ का वर्ग के बीच में आएगा, तो मुझे आठ को लेना है आंसर, तो बयासी या अट्ठासी होगा। ठीक है, अब नौ अट्ठे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नौ अट्ठे बहत्तर, तिहत्तर बहत्तर से बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, डबल एट थ्री सिक्स, डबल एट थ्री सिक्स लास्ट में छह आ रहा, तो यहां पर क्या आ सकता है, चार और छह। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया। अब ये किसका इसका वर्ग है, एक तो नौ का वर्ग, इक्यासी और दस का वर्ग, सौ के बीच में आ रहा है, तो यहां पर मैं नौ को ले लूंगा, चौरानवे या छियानवे। अब क्या हो रहा है यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दस गुणा नौ कितना, नब्बे, नब्बे किसके बीच में आ रहा है, अट्ठासी से बड़ा है कि, अट्ठासी नब्बे से बड़ा है कि छोटा है, तो चौरानवे आंसर होगा। अब देखिए तीन अंक वालों को कैसे बना, पांच अंक वालों को कैसे बना, आपको पेयर तो यही बनाना है, बस शुरू के दो अंक का ही एक जोड़ा बनाना है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है। अगर पच्चीस है पांच है तो क्या है इकाई अंक, पांच ही होगा और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको सबसे पांच वाले को बनाना सबसे आसान है, वहां पर दो नंबर ऐसे नहीं आते, इकाई अंक अगर पांच है तो पांच ही होगा इकाई अंक वर्ग का भी। अब इसके बाद यहां पर 156 है, किसके किसके बीच में आएगा, ये 12 कितना होता है, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग। ठीक है, तो छोटे वाले को लेना है, 144 और 169 के बीच में आ रहा है, तो छोटे वाले को लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर यहां पर पांच रहा तो। ठीक है, चलिए और मैं दे रहा हूं 125 44, इसको नोट करोगे, नोट कर लियो 125 44 35 721, क्या होगा फटाक से निकालो। अब यहां पर इकाई का अंक पांच नहीं, तो आपको फिर दो दो नंबर लेने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, इधर देखिए यहां पर क्या आ रहा है, दो पेयर जो बना है 44 का है ना, उसमें इकाई अंक क्या है, या तो दो होगा या तो आठ होगा, दो दूनी चार या आठ अट्ठे चौसठ। अब बच गया कितना, 125, किसके किसके बीच में आ सकता है 125, एक तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 और 12 का वर्ग 144, यही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटे वाले अंक को लेना है, या तो 112 का होगा या तो 118 का होगा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा 132, 12 एकम 12 का दो हासिल है, 12 एकम 12 और एक 13, 132, 125, 132 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटे को आंसर लेंगे करके देख लो, 112 को दो बार गुणा। सेम इसी प्रकार से यहां पर फिर से पेयर बनाना है 21 और 357 का, तो एक आएगा यहां पर और नौ आएगा। ठीक है, 357 किसके किसके बीच आएगा, तो 13 का वर्ग क्या होगा 169, नहीं आ रहा है, नहीं 18 का वर्ग कितना आएगा 324 और 19 का वर्ग 361, इसके बीच में आ रहा है, हाँ इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 20 तक तो आप लोगों को कम से कम वर्ग याद होना ही चाहिए, तभी आंसर तुरंत तुरंत ले पाओगे। तो 18 और 19 के बीच में, तो क्या होगा यहाँ पर 18 होगा, छोटे वाले को लेना है। अब 18 गुणा 19 कर दो, ठीक है, तो 324 में एक बार 18 और जोड़ दो, 8 4 12 का दो हासिल है, 2 1 3 1 4 342, इसका मल्टीप्लाई करने पे 342 आया, करके देख लो चाहो तो, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया 18 गुणा 18 और उसमें एक बार 18 और जोड़ दिया, तो 18 गुणा 19 हो गया वो। ठीक है, तो 342, 357 342 से बड़े कि छोटा है, 189 आपका आंसर होगा।
क्लियर है, अब इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस इसी प्रकार से आपको बनाना है ये वर्गमूल वाले अंक, ठीक है। इसी प्रकार से आपका घनमूल भी है, थोड़ा सा उसको बताया तो वो दो मिनट का लगेगा, इसी प्रकार से उसको तो बनाना और आसान है, उसमें तो ये दो नंबर इस प्रकार से नहीं आते, सिर्फ एक ही नंबर आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसको भी, दो मिनट लगेगा, उसको भी बताता हूँ, लगे हाथ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहां से कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो ये आ जाएगा आप लोगों का घनमूल। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर 10 तक के संख्याओं का घन लिख लेता हूं। एक का घन क्या होगा, एक, दो का घन 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 4 16 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343। उसका कोई याद अच्छी बात है भाई, 8 की घात 3 कितना होगा 512, हाँ ठीक है। नौ की घात तीन 729, देखो आपने मेरा काम आसान कर दिया। 10 की घात 3 1000, ठीक है। अब जैसे मुझे कुछ संख्या दिया गया, देखिए क्या है, 9261 ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इकाई अंक अगर एक होगा वही यहां पर क्या आएगा, एक आएगा। या तो आप क्या करो, इस एक को ही 3 बार गुणा कर दो तो भी वही मतलब है, एक की एक को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। मतलब इकाई अंक क्या होगा, एक होगा, मुझे समझ में आ गया। यहां पर देखिए डबल वाला काम ही नहीं, यहां पर से दो दो बनते थे ना उसमें, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले यहां पर, लेकिन तीन तीन का पेयर बनाना है। अगर घनमूल निकालेंगे, घनमूल मतलब यहां पर 3 लगे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना यहां पर 3 लगेगा मतलब घनमूल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 3 का पेयर बनाना, तो यहां पर इकाई अंक क्या है, एक है, तो एक को ही 3 बार गुणा कर दो तो एक आएगा। या यहां समझ जाना, एक है, इकाई अंक एक होगा तभी यहां पर एक आएगा, क्लियर है, क्योंकि एक को ही 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब यहां पर क्या बच गया, 9। अब यहां पर ये कौन से अंक के घात के 3 के बराबर बीच में आएगा, तो 2 की घात कितना होगा, 3 की घात इसी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो छोटे वाले को लेना है, यही आपका आंसर होगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते तब करते जब दो दो आंसर आता हमारे पास, यहां पर एपी एक ही आएगा, ये और आसान है। इसको नोट कर लो, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 7408 क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग बना लिया, उसमें मिटा रहा हूं, 205 379 262 144, इतने ही बना लो, आपको इतने में समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, इन तीन का पेयर बनाओ, बस आंसर आ जाएगा, बस ये हो गया आपका, जल्दी से बनाइए, समय हो गया है। टू का आंसर आया, चलिए देखिए 5832, 5832 की मैं बात करूं तो सबसे पहले 3 का पेयर बनाना है, यहां पर 2 है मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सीधा 8 लिख दो, मैंने क्या किया, 2 की घात 3 कर दो, या यहां से देख लो इसमें आएगा 12 है मतलब 8 आएगा यहाँ पर, यहां से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 5 है तो किसकी घात 3 बन सकता है, 1 की घात 3 1 और 2 की घात 3 8, 1 और 8 के बीच में आ रहा है तो 1, बस इसमें तो 2 बार करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर फिर से 3 का पेयर बनाओ, इधर से फिर से 8 यहां पर आ रहा है तो 8 64 और 8 32, मतलब यहां पर 2 आएगा, ठीक है, 2 की घात 3 में 8 आता है
क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर 74, 74 है तो किस के बीच आएगा वो, चार चौक चार की घात तीन कितना आएगा 64, पांच की घात तीन 125, इसी के बीच में आ रहा है तो क्या आएगा यहां पर, समझ में आ रहा है पुष्पा, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये तीन का पेयर बनेगा, 9 × 81 किसके में आता है, 9 के में, ठीक है। तो यहां पर इकाई अंक मुझे मिल गया 9, ठीक है। इसके बाद 205 किस किस के बीच आएगा, देखिए यहां पर ही देख लो, 5 और 6 के बीच में, तो क्या होगा यहां पर 5, क्लियर है। ये और आसान है वर्गमूल से, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप करना है, यहां पर वहां पे तीन तीन स्टेप करना पड़ता था। यहां पर फिर यहां से पेयर बनाओ, 144 किसका है, देखो चार किस में आएगा, चार में ही आएगा, 265 किसके बीच आ रहा है, 6 और 7 के बीच, तो क्या आएगा यहां पर, इसी प्रकार से बनाना है आपको, बन जाएगा। ये किस किसके बीच आएगा, 11 का 1331, तो 11 और 10 के बीच में आएगा, ये क्या आएगा, 2 है तो 2 × 4 × 8, ठीक है। अब ये देखिए 1259 किसके बीच में आएगा, 10 की घात कितना होता है, 10 की घात 3 मतलब 1000, और 11 की घात 3 मतलब 1331, तो यहां पे क्या आएगा 10 आएगा, 108 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 5 1 2 5 9 7 1 2, ठीक है सही है, क्लियर है। तो बस इसी प्रकार से आपको करना है इसमें, और कुछ नया नहीं करना है। तो ये वर्गमूल और घनमूल आपका कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ आपका, कौन सा टॉपिक, नंबर सिस्टम, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ भी एक कॉमन टॉपिक है जिसमें आपको निकालने अच्छे से आना चाहिए, तो कोई भी टॉपिक आप सॉल्व करते हैं, कोई भी दूसरा टॉपिक भी करते हो, वहां पर एलसीएम और एचसीएफ आता ही है, एलसीएम तो आता ही है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।